विप्लव और धानी की लव केमिस्ट्री पर आधारित सीरियल इश्क का रंग सफेद तो आप सबने देखा होगा, जो कि साल 2015 में कलर्स टीवी के चैनल पर प्रसारित हुआ, जिसमें दिखाया गया कि विप्लव कितना लापरवाह घमंडी अय्याशबाज होता है। पर जब उसकी मुलाकात विधवा धानी से होती है तो वो उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। बस इसी तरह की थी सीरियल की कहानी, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया, जिसका श्रेय जाता है सीरियल में नजर आने वाले कलाकारों को, जिन्होंने अपने अलग अलग अंदाज से सीरियल की कहानी को इंटरेस्टिंग बना दिया। लेकिन दोस्तों, आज इस शो को ऑफ एयर हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सीरियल में नजर आए वही कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसी जिंदगी जी रहे हैं? अगर आप भी होना चाहते हैं इन सभी सवालों से रूबरू, तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक और इस सीरियल के लिए एक लाइक तो दे ही दीजिए। नंबर 1, काजल निषाद। सीरियल में कनक का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, उसी अभिनेत्री का नाम है काजल निषाद, जिन्होंने सीरियल में अपनी नकारात्मक किरदार से एक अलग जान डाल दी। लेकिन सीरियल में नकारात्मक किरदार से अलग जान डालने वाली अभिनेत्री काजल निषाद आज पहले से बहुत बदल गई हैं, जो काफी खूबसूरत नजर आती हैं, जिन्होंने अपने आप को आज भी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। साथ ही ये काफी शान और शौकत वाली लाइफ जीती हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बता दें कि सीरियल के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया, जो कि आज मुंबई में अपने पति संजय निषाद के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। नंबर 2, खुशवंत वालिया। सीरियल में राजा अवस्थी के किरदार में नजर आए अभिनेता खुशवंत वालिया ने इस किरदार को खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया और दर्शकों द्वारा सराहना हासिल की। आपको बता दें, सीरियल में राजा अवस्थी के किरदार में नजर आए अभिनेता खुशवंत वालिया 33 साल के हो गए हैं और पहले से काफी हैंडसम नजर आते हैं, जिनकी इन तस्वीरों के जरिए आप इनकी एनहांस हुई पर्सनालिटी देख सकते हैं। बात करें, आज भी इन्होंने अपने करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें लाल इश्क सीरियल में अभिनय करते देखा जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि आज भी ये सिंगल हैं और अपने सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 3, संजीदा शेख। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा संजीदा शेख ने शो में रिप्लेसिंग धानी का रोल प्ले किया, जिनके सादगी भरे किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन आपको बता दें कि धानी की सादगी भरे किरदार में नजर आई संजीदा शेख आज काफी बदल गई हैं, जिनके स्टाइल स्टेटमेंट से लेकर इनकी पर्सनालिटी सब कुछ बदल चुकी है कि आप इन्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं पाएंगे। इसी के साथ आपको बताते चलें कि आज भी इन्होंने अपने करियर को एक्टिव रखा है, जो सीरियल में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी नजर आती हैं, जिन्हें नवाबजादे फिल्म में देखा गया और आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस होने के साथ साथ अपने लविंग हस्बैंड एंड एक्टर आमिर अली के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। नंबर 4, मिशाल रहेजा। सीरियल में मुख्य विप्लव त्रिपाठी के किरदार में नजर आए मिशाल रहेजा तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने एक अय्याशबाज लड़की का किरदार निभाया, पर बाद में धानी के आने से इनकी लाइफ में चेंजिंग आ गई। लेकिन अगर बात करें अभिनेता मिशाल रहेजा के आज की, तो आज ये अपनी 38 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं, मगर आज भी पहले की तरह ये काफी हैंडसम नजर आते हैं और इनका स्टाइल आज पहले से भी ज्यादा बदल गया है, जिसके चलते आज इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। बता दें, वर्तमान में ये सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में कुमकुम भाग्य सीरियल में आप सबने देखा होगा। नंबर 5, ईशा सिंह। अब अंत में बात करते हैं सीरियल में धानी के किरदार में नजर आई अभिनेत्री ईशा सिंह की, जिन्होंने सीरियल में अपने सादगी भरे अंदाज के साथ साथ अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीता। बात करें अभिनेत्री ईशा सिंह की, तो आज वो कैसी लाइफ जी रही हैं? आपको बता दें, सीरियल में सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही अभिनेत्री ईशा सिंह काफी खूबसूरत और स्टाइलिश लाइफ जी रही हैं। साथ इनकी लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आ गए हैं, जो कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां ये आज शान और शौकत वाली लाइफ जी रही हैं, जिनका घर ही आप देख लीजिए, जो बिल्कुल 5-स्टार होटल जैसा है। वहीं आपको बता दें कि आज भी इन्होंने अपने करियर को एक्टिव रखा है, जिन्हें इश्क सुभान अल्लाह सीरियल में देखा गया। साथ ही आपको बताते चलें कि आज ये अपने को स्टार अदनान खान को डेट कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किसका किरदार सीरियल में सबसे बेस्ट लगा, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।